धीरे धीरे अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट करना है जैसे कि आपको इस फोटो में दिख रहा है बट आपको ये आराम से करना है क्योंकि अगर ये आप थोड़ा सा भी टेढ़ा करोगे तो आपकी जो पेट है या फिर कमर में दर्द हो सकता है डाउन करना है और स्ट्रेच करना है बॉडी को जो अपना हाथ है वह आपको जमीन से टच करना है और इस आसन में आपको थर्टी सेकेंड तक रहना है इसको भी आप टेन टाइम रिपीट कीजिए नेक्स्ट वाला आसन ये आपको अभी स्किप करना है ये भी नहीं करना जब आप मिनिमम फोर्टीन टू सिक्सटीन डे लगातार आप ट्राई करोगे ठीक है उसके बाद आपको ये डे वन में करना है फोर्टीन सिक्सटीन डे बाद उसके बाद आता है हमारा ऊष् आसन ऊष्ठ यानी कि ऊंट ठीक है इसमें आपको घुटने के बल बैठना है और अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाइए और एड़ियों को पकड़ना पहले एक हाथ ले जाइए फिर दूसरा हाथ और अपने जो माथा है उसको पीछे की तरफ कीजिए और आसमान की तरफ देखिए अगर आप घर में कर रहे तो आपको छती दिखेगा वास्त आसना आपका नेक्स्ट जो है योगा है इस वाले में आपको क्या करना है करवट के साइड आपको जमीन पर लेट जाना है ठीक है अगर आपके पास योगा मैट नहीं है तो आप ऐसे जगह पर जाइए जो जगह आपको चुभे ना ठीक है जब आप करवट की साइड लेट जाओगे फॉर एग्जाम्पल आप बाएं साइड पहले कर रहे हो तो आप अपने बाएं हाथ को जमीन पे रखिए और दोनों पैरों को दूसरी जो आपके नीचे वाले साइड में होगा वहां पर और अपने हाथों की मदद से पूरे बॉडी का जो वेट है उसको संभालना है और आपका दूसरा हाथ ऊपर की तरफ होगा आसमान की तरफ या छत की तरफ इस पोस्चर को मिनिमम थर्टी सेकेंड तक होल्ड करके रखना है वैसे ही जैसे आपने लेफ्ट साइड करा अब इसको राइट साइड रिपीट कीजिए और यह आपको टेन टाइम करना है इससे आपका जो साइड का जो चर्बी होता है वो कम होता है दोनों साइड का और आपका थाई का भी यानी कि जांघों का उसके बाद आपको करना है विभद्रासन इस वाले आसन में आपको सबसे पहले सीधे खड़े होना है और दाएं पैर को आगे की तरफ कीजिए और आगे करने के बाद आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करना है और जो आपका दूसरा पैर होगा वो पीछे की तरफ होगा आप इस जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आप कुछ ऐसे हैं टेक्निकल वाले जो टेक्निकल तो नहीं बोलेंगे मगर जिसको करने में टाइम लगता है उसकी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी इस वाले आसन को भी आपको करना है इससे जो आपके जो आगे की पेट की चर्बी है वो कम होगा और आपके पैरों की तो इसको ध्यान से करना और रिलैक्सेशन मोड में बहुत इसको भी झटके से नहीं करना है उसके बाद जब आप ये आसन कर लो टेन मिनट तक उसके बाद आप स्वास आसन में लेट